रौनक हूँ और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। ये है एक क्रोकोडाइल का एग। एग के टूटे हुए पीसेस में से एक छोटे से फेस वाला प्यारा सा क्रोकोडाइल कुकी झांक रहा था। वह मॉमी क्रोको को देखकर दुनिया की सबसे प्यारी स्माइल दे रहा था। तभी क्रोकोडाइल किंग ने उसकी ओर देखकर कहा, यही है वो जिसके परफेक्ट शाइनी व्हाइट टीथ हैं। यस, ही विल बी द किंग। कुकी बड़े होकर सभी क्रोकोडाइल्स का किंग बनेगा। सभी ने जय जयकार किया। जय हो कुकी की जय हो शाइनी व्हाइट टीथ की जय हो कुकी की जय हो शाइनी व्हाइट टीथ की जय हो। यह बात तब की है जब सभी क्रोकोडाइल्स के टीथ के साथ काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी। जंगल में कोई भी क्रोकोडाइल दिन में 2 times ब्रश नहीं करता था। एज अ रिजल्ट उनके येलो टीथ सिक बीमार हो जाते और एक एक कर गिर जाते थे। लेकिन कुकी वह सबसे अलग था। वह अपने शाइनी वाइट टीथ का बहुत ध्यान रखता था। अलग अलग पेड़ों की डालियों और टहनियों से दिन में 2 times ब्रश करता था। जैसे जैसे कुकी के टीथ बिग एंड बिग होते गए, इन प्लांट्स से उसके टीथ को क्लीन रखना मुश्किल होता जा रहा था। हमेशा की तरह वन सनी डे कुकी अपनी स्माइल चेक करने रिवर पर गया। यह क्या हो गया? एक गंदा सा येलो टूथ उसकी स्माइल को बिगाड़ रहा था। कुकी ने डायरेक्शन चेंज करते हुए कई तरीके से स्माइल चेक करने की कोशिश की, बट द अगली येलो टूथ स्टक आउट। उसका अगली येलो टूथ छिप ही नहीं रहा था। नो, आई कांट बी द किंग नाउ। ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं किंग नहीं बन पाऊंगा। कुकी ने जंगल में जाकर तरह तरह के प्लांट्स और ट्रीज से अपने टीथ क्लीन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका येलो टूथ क्लीन नहीं हो पाया। अब कुकी सैड होकर एक ट्री के नीचे बैठकर रोने लगा। उस ट्री में एक नेस्ट था जिसमें से एक बर्ड ने कहा, मेरे चिक्स सो रहे हैं, प्लीज शोर मत करो। कुकी को और जोर से रोना आ गया। बर्डी उड़कर कुकी के पास आई और उसने कहा, मेरा नाम बकी है, तुम क्यों रो रहे हो? कुकी ने कहा, मेरा नाम कुकी है, मैं रोज नहाता हूँ, हेल्दी खाना जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाता हूँ, रोज
टू टाइम्स टीथ ब्रश करता हूँ, फिर भी मेरा एक टूथ येलो हो गया। अब मैं किंग नहीं बन पाऊंगा। बकी ने कहा, ये बात है, अभी मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ। बकी ने सीटी बजाकर अपने चिक्स को नीचे बुलाया और कहा, कुकी, मेरे चिक्स हंग्री हैं, वो अभी सोकर उठे हैं और उन्हें बहुत तेज भूख लग रही है। तुम अपना मुंह खुला रखो, मैं और मेरे चिक्स तुम्हारे मुंह के अंदर जाकर खाना खाएंगे। कुकी वो सरप्राइज्ड। उसने ठीक वैसे ही किया जैसे बकी ने कहा। यही नहीं, उसने अपना मुंह इतना बड़ा खुला रखा कि किसी भी चिक को बिल्कुल भी चोट ना लगे। चिक्स ने अपने छोटे छोटे पैरों और चोंच से कुकी के हर टूथ के पीछे छिपे हुए खाने को निकाल निकाल कर खा लिया। जल्द ही चिक्स का पेट भी भर गया और कुकी के टीथ भी फिर से शाइनी एंड वाइट हो गए। कुकी वाज वेरी हैप्पी। उसने बकी और चिक्स को थैंक यू कहा। थैंक यू बकी, थैंक यू चिक्स। और फिर रोज इन बर्ड्स के पास आता और अपने टीथ क्लीन करवाता। कुकी से इंस्पायर होकर जंगल के सभी क्रोकोडाइल्स जरूरत पड़ने पर बकी और दूसरे बर्ड से अपने टीथ क्लीन करवाते थे। इस तरह क्रोकोडाइल्स की टीथ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और बर्ड्स को भी इजीली खाना मिल जाता था।